Debt Mutual Funds, Understanding the Experience. Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Dwara Investor Education Initiative. हम सभी का एक पसंदीदा रेस्टोरेंट होता है जहां आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ मजे करते हैं। मान लीजिए आप इस रेस्टोरेंट में पंजाबी खाने का कई सालों से लुत्फ लेते आ रहे हैं। एक बार आप इटालियन खाना टेस्ट करते हैं पर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आपके दोस्त जिन्हें इसका अनुभव है उन्हें वो अच्छा लगा। क्या इसका मतलब ये है कि उस इटालियन खाने में किसी तरह की गड़बड़ी थी या आपके खाना चुनने में? शायद नहीं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप इटालियन खाने के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और उसका स्वाद का अनुभव विकसित करने के लिए आपको वक्त चाहिए। लेकिन इटालियन खाने के साथ आपका ये बुरा अनुभव आपको कुछ और सोच में डालता है। इस तरह के हालिया अनुभव के आधार पर फैसले लेने की प्रवृत्ति को रीसेंसी बायस कहते हैं और ये बहुत सामान्य है। ये प्रक्रिया जीवन के हर पड़ाव में हमारे डिसीजंस पर प्रभाव डालती है, जैसे कि निवेश करने में भी। सालों से लाखों निवेशकों ने अपनी बचत की जरूरतों के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स को प्राथमिकता दी है, क्योंकि डेट फंड्स का लक्ष्य आपके पोर्टफोलियो को अपेक्षाकृत बेहतर कैपिटल प्रोटेक्शन और स्थिर रिटर्न्स देने का प्रयास करता है। इन साधनों में निवेश के द्वारा विविधता आती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स। लंबे समय के निवेश में इंडेक्सेशन के लाभों के माध्यम से बेहतर इनकम टैक्स बचत का लाभ। इन लाभों और पिछले रिकॉर्ड के बावजूद कुछ कंपनियों में हाल ही के क्रेडिट परिणामों ने कुछ निवेशकों में रीसेंसी बायस विकसित की है। साथ ही डेट म्यूचुअल फंड की दक्षता पर सवाल भी उठाए हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी सही फैसला लेने में, चाहे वो भोजन हो या निवेश, आपको रीसेंसी बायस से बाहर आना होगा। चलिए हालिया घटनाओं से प्रभावित न होते हुए डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में और समझते हैं। डेट फंड में आपका पैसा प्राथमिक तौर पर पूर्व निर्धारित अवधि और ब्याज दर के लिए अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है और तय ब्याज जो जारीकर्ता के द्वारा प्रस्तावित है, जिसे कूपन के नाम से जानते हैं, यह उस डेट फंड की कमाई है। वो अवधि जिसमें पूंजी ब्याज की आय अर्जित कर रही होती है, ब्याज दर के उतार चढ़ाव, क्रेडिट माइग्रेशन, डिफॉल्ट रिस्क जैसे कारण फंड के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इन सभी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए फंड मैनेजर पूरे पोर्टफोलियो को विभिन्न डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अवधि, सेक्टर्स, कंपनीज और क्रेडिट प्रोफाइल से विविधता देता है। अतः अगर एक कंपनी डिफॉल्ट करती है तो अन्य कंपनियों के द्वारा प्रस्तावित तय ब्याज से इसकी भरपाई हो सकती है। इस तरह प्रभावी रूप से जोखिम कम किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक म्यूचुअल फंड को 50 इन्वेस्टमेंट से विविधता दी गई, जो कि 8% ब्याज हर साल प्राप्त करती है। अगर आज किसी एक कंपनी के कारण पोर्टफोलियो में 1% का डिफॉल्ट होता है, जो कि बहुत दुर्लभ है, बाकी के बचे हुए 99% पोर्टफोलियो 8% ब्याज की दर से ब्याज देना जारी रखते हैं, यानी 7.69% लाभ तब भी आएगा। अब जब हम देख चुके हैं कि किस तरह विभिन्न कारक डेट म्यूचुअल फंड को प्रभावित करते हैं, आइए देखते हैं कि इन सालों में डेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने किस तरह काम किया है। फिलहाल इंडियन डेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की संपूर्ण संपत्ति विशाल निवेशकों के आधार के साथ 13.4 लाख करोड़ की है, जिसका 93.7% उच्च गुणवत्ता वाले पेपर्स में, 6.11% मध्यम स्तर के पेपर्स और मात्र 0.19% निम्न स्तर के पेपर्स में है। इस प्रकार डेट म्यूचुअल फंड के डिफॉल्ट रिस्क से प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि ये सच है कि शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव बाजार की अस्थिरता से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रदर्शन ज्यादा स्थिर होता है। इसलिए हालिया घटनाओं पर ज्यादा ध्यान न दें और खबरों पर गौर न करते हुए निवेश के फैसले लें, क्योंकि ये पूरे निवेश के पोर्टफोलियो का एक सूक्ष्म हिस्सा है और इसके होने की संभावना बहुत कम रहती है। साथ ही फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को विविधता देते हुए जोखिम कम करने के प्रयास करते हैं। इसलिए इसका मूल मंत्र है,
समय और सब्र के साथ डेट म्यूचुअल फंड्स आपको लंबे समय में अपेक्षाकृत स्थिर लाभ दिलाने में मदद कर सकते हैं। आदित्य बिड़ला सनलाइफ म्यूचुअल फंड द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।